हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। और जो मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, ये सिर्फ मैंने दो यूनिट में से बनाए हैं, दो यूनिट आप स्किप कर सकते हो। और इन क्वेश्चन में से आपके जो 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं वो आ जाएंगे अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है आपका बायोलॉजिकल साइंस वाला ही। इसका सबसे पहले आपको कंसेप्ट, इसका मीनिंग, इसका नेचर, इसकी हिस्ट्री, स्कोप और इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ये पूरा आपने इसका कंसेप्ट क्लियर करना है, ये सारी चीज़ें। और इसके जनरल एम्स और ऑब्जेक्टिव्स भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी हो या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो या फिर जनरल एम एंड ऑब्जेक्टिव हो, इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपका दे देता है पेपर के अंदर। दूसरा क्वेश्चन हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी का है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन बिहेवियर टर्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के साथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहेवियर टर्म्स वाले दे सकता है, या अकेला बिहेवियर टर्म्स वाले दे सकता है। कोई भी मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से वो बना सकता है। और एम्स और ऑब्जेक्टिव्स वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी या तो ब्लूम वाली देगा या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देगा या फिर जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव देगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन कंसिस्टेंट विद द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, बायोडिवर्सिटी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इन बायोलॉजिकल साइंस। देखिए, ये जो इतना मैटर लिख रखा है, ये सिर्फ ये है कि इसमें मेन जो पार्ट है वो बायोलॉजी के सिद्धांत आपने बताने और फैक्ट बताने हैं। और जो इसके अंदर बाकी है आप एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, जस्ट और कुछ नहीं है। इसमें से क्वेश्चन अगर आएगा तो प्रिंसिपल वाला ही आ सकता है क्वेश्चन के साथ जोड़ के, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बस आपने एक क्विक रीजन इसका लेना ज़रूरी है। उसके बाद आपका इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस इवेल्युएशन का एक टॉपिक आपको, एक क्वेश्चन जो है वो देखने को पेपर में मिल जाएगा। आपको इसका कंसेप्ट, इसका मीनिंग और इसके करैक्टरिस्टिक्स, यहाँ तक कि इसके जो टाइप्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके फॉर्मेटिव, सबमेटिव या डायग्नोस्टिक है। क्योंकि कैप तक क्वेश्चन में डाल देगी फॉर्मेटिव क्या होता है और ये सबमेटिव से किस तरह से अलग है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन बना देगा। यानी इसके टाइप्स जो हैं, तीन टाइप्स हैं, ये आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। एक आपका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी आपने अच्छे से पढ़ना है, ये इवैल्यूएशन का ही टॉपिक है। उसके बाद आपका अचीवमेंट टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो पेपर में इसका क्वेश्चन एक बन जाता है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, नीड। और ये प्रिपरेशन कैसे होती है, ये इसका मेन पार्ट होता है कि हम इसके स्टेप्स जो होते हैं प्रिपरेशन के, वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह तरीके से तैयार किया जाता है। या किसी भी क्लास का आपसे पूछ सकता है कि इस क्लास का एक अचीवमेंट टेस्ट तैयार करिए, तो आपको वो करना पड़ेगा। ये प्रिपरेशन जरूर इसकी याद कर लेना। और एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट, ये भी आपको बताने पड़ेंगे, क्वेश्चन के साथ जोड़ के दे सकता है। एक ये अलग से आपका टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग, ये आपका 4 मार्क्स में दे देता है, इसको भी आप पढ़ लेना। तो ये जो क्वेश्चन बनाए हैं सिर्फ 6 ही क्वेश्चन बनाए हैं, जो मेन टॉपिक हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और इनमें से आपके 4 क्वेश्चन जो 16 मार्क्स वाले हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।